सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पहली चीज़, सुबह 7:30 बज रहे हैं। इतनी सुबह मैं क्यों आया, स्ट्रीट फोटोग्राफी की वीडियो करनी थी, मुझे भी कुछ फोटोज़ लेनी थी और मैंने सोचा वीडियो भी कर लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। और ये जो टिप्स हैं ये मैं खुद करके आपको दिखाऊंगा, सैम्पल्स भी दिखाऊंगा, सो दैट आपके लिए ये चीज़ यूजफुल रह सके। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मिस्टेक मेरे से हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने कल रात को कैमरा बैग पैक किया शूट के लिए, तो आइडिया था कि भाई गोप्रो से पीओवी मैं आपको आज दिखाऊंगा, माइक है, कैमरा भी रख लिया जिससे वीडियो हम शूट करेंगे, मैं शूट करते हुए। मैंने एक वाइड एंगल लेंस भी है, ये चेस्ट माउंट भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है एक कैमरा जिससे मैं शूट करता वो मैं रखना भूल गया, पता नहीं क्यों। बट इसी वजह से इस वीडियो का टाइटल है फ़ोन से स्ट्रीट फोटोग्राफी, बिकॉज मैं इस फ़ोन को यूज़ करूँगा फोटोज़ लेने के लिए। तो अभी गोप्रो मैंने लगा लिया है एंड फ़ोन से हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करने वाले हैं। तो अभी सुबह के टाइम इसलिए भी आए हैं क्योंकि लाइट अच्छी मिलती है, सॉफ्ट लाइट है, प्लस एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में ऐसी होती हैं जो यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये क्वेश्चन रहता है कि भाई सुबह क्यों स्ट्रीट फोटोग्राफी करें, उसका रीज़न ये भी है कि जब नॉर्मली एक इंसान 9-10 बजे नॉर्मली हम उठते हैं, उस टाइम पर जो हम एक्टिविटीज़ देखते हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। स्टार्टिंग में जैसे यहाँ शॉप्स सेटअप हो रही हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो चलते हैं एंड आई विल बी शेयरिंग 5 टिप्स। स्टार्ट करते हैं पहले टिप्स से। तो अभी यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कुछ कबूतर बैठे हुए हैं स्टिक्स पे और थोड़ा सिंपल सा फ्रेम लग रहा है, थोड़ा मिनिमलिस्टिक एंड एट द सेम टाइम कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो देखते हैं कुछ कंपोज करने का ट्राई करता हूँ, कुछ शॉट मिलता है नहीं। 1x थोड़ा वाइड हो रहा है तो मैं यहाँ 3x पे चले जाऊँगा और इस टाइप का कुछ शॉट हम बनाने का ट्राई कर सकते हैं। वेट करूँगा कि यहाँ स्टिक पे एटलीस्ट एक आधा और कबूतर आके बैठ जाए। तो अभी बेसिकली मैं शॉर्ट कट ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो मुझे दिख रही है, बट उसको मैं नॉर्मली भी एक ऐसा सिंपल फ्रेम कैप्चर कर सकता हूँ, बट वो बहुत ऑर्डिनरी है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे काफ़ी लोग चल रहे हैं तो मे बी फोरग्राउंड में कुछ एलिमेंट रख के एक और एडिशनल लेयर ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसी स्ट्रीट फोटोज़ ले रहे हो ट्राई करो अगर एक एडिशनल लेयर और ऐड हो सकती है, उससे क्या होगा फोटो में कुछ स्टोरी बनती है, प्लस लोगों को और रीड करने को मिलेगा फोटो में, और एक ही फ़ोटो में आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली एक बोर्ड है स्कूल का और बच्चे भी जा रहे हैं, तो वैसा कुछ एक एलिमेंट बन सकता है कि दोनों रिलेट कर रहे हैं, लाइक बच्चे भी हैं स्कूल का बोर्ड भी है, तो उससे बेसिकली इन अ वे आप एक स्टोरी बता सकते हो। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, तो एक एग्जैक्ट फ्रेम या ऐसा कुछ मिल जाए जो एक्टिविटियाँ हो रही है वैसा कुछ मिले, एक्शन हो, तो बस वही वेट करते हुए फ़ोटो ले रहा हूँ। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी होता है कि कई बार आपको एक आध शॉट मिल जाता है, आप सोचते हो गया वो करके आप चले जाते हो, बट हो सकता है 1-2 मिनट और वेट करने से आपको कुछ और बढ़िया फ्रेम मिल सकता है। उसी का मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ एग्जैक्ट जो चाहिए वैसा कुछ मिले। तो अभी मैं लाइव मोड पे स्विच कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेना है यह सब्जेक्ट का, तो ट्राई करते हैं अगर ये लॉन्ग एक्सपोजर देता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अपने फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर मैं इस टाइप के कुछ शॉट लेना चाहता हूँ, एक तो ये लीडिंग लाइंस मिल जाएंगी, प्लस ऐसा कुछ यूनिक शॉट आ सकता है। तो यही मैं शॉट्स निकाल रहा हूँ अल्ट्रा वाइड यूज़ करके, बिकॉज उसमें आप जो भी सराउंडिंग है ना उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हो और ज़्यादा वाइड दिखा सकते हो, भले ही वो इतनी वाइड नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आप यूज़ कर सकते हो, जैसे अब सामने मुझे ऑटो दिख रहा है, तो कई बार क्या होता है हम जस्ट फ़ोन इतना लेके चलते हैं कि हम जो दिखता है एक पहली चीज़ वो फ़ोटो लेके हम निकल जाते हैं। बट द थिंग इज़ आपको फ़ोन नीचे रखना है, ट्राई करना है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्शन ढूंढ सकते हो, कलर्स देख सकते हो, शेप्स पैटर्न्स, एक चीज़ को आप देखोगे आपको बहुत चीज़ें उसमें मिल सकती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कुछ रिफ्लेक्शन में बढ़िया शॉट आ सके, या कुछ कलर्स को यूज़ करके ग्रीन के साथ कुछ कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर है, ग्रीन में कोई शर्ट या कुछ पहन के जा रहा है वो शॉट ले सकते हैं।
तो मैं जस्ट रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ, अगर कुछ निकलता है लेट्स ट्राई। और एक और फ्रेम इन फ्रेम का ये भी आइडिया हो सकता है, इस तरीके से आप देख रहे हो ऑटो है जिसके थ्रू उस तरफ कुछ दो लोग बैठे हुए थे, मैं उसका शॉट लेने का ट्राई कर रहा था। तो ये भी एक आइडिया हो सकता है कि फोरग्राउंड में मैं कुछ एक और एलिमेंट दिखा सकता हूँ, पीछे कुछ और मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ आप क्या निकाल सकते हो। अब जो नेक्स्ट आइडिया आप ले सकते हो वो ये है कि लुक फॉर लाइन्स एंड फ्रेम इन फ्रेम एक कॉम्पोजिशन रूल है, इसके बारे में पहले भी बात की है। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा बट मैं ट्राई करूँगा आपको समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाँ, तो यहाँ बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से रेडी खड़ी हुई थी, इसका ना ऐसा कॉम्पोजिशन हम कुछ बना रहे हैं। तो आइडिया क्या है कि बीच का जो एरिया है ना, जहाँ पे ऑटोज और बाइक्स आपको जाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लेके उसको कैप्चर किया जाए। अब इससे क्या है कि एक तो लीडिंग लाइन्स भी बन जाती हैं, बट एट द सेम टाइम फ्रेम इन फ्रेम हो रहा है, लीडिंग लाइन हो रही है, आप बहुत सारे कॉम्पोजिशन रूल एक साथ यूज़ कर रहे हो, इवन रूल ऑफ थर्ड्स भी यूज़ हो सकता है। और इससे क्या होगा कि व्यूअर की अटेंशन मेन सब्जेक्ट की तरफ जाएगी, कुछ यूनिक कैप्चर होगा। तो वही बस इसमें पेशेंस लगता है, आपको एक परफेक्ट मोमेंट ढूंढना है जहाँ आप कुछ यूनिक दिखा सकते हो, वही ट्राई कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेप मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि जब आप फ़ोन से शूट कर रहे हो तो एक्सपोजर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत डरो। लाइक यहाँ लाइट एंड शेडो बहुत अच्छा पैटर्न आ रहा है। तो एक और टिप है कि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, ट्राई टू लुक फॉर लाइट एंड शेडो। जैसे यहाँ पे अभी मुझे बहुत सही शॉट दिख रहा है, तो मैं इस तरीके से पहले टैप करके अपना जहाँ मुझे फोकस चाहिए एक्सपोजर नीचे ले आऊँगा इस तरीके से, और अब मैं कुछ इस तरीके के शॉट्स निकाल सकता हूँ। और जहाँ लाइट आ रही है वहाँ पर मेन सब्जेक्ट रखूँगा और शेडो को डार्क करके कुछ शॉट्स निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्टी शॉट आएगा, और सेम टाइम पे आपको कुछ डिफरेंट शॉट्स भी मिलेंगे बिकॉज आप कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहे हो लाइक इस तरीके के मोमेंट्स, और वहाँ शेडोज़ भी बन रहे हैं राइट साइड पे। तो मैं लॉन्ग प्रेस करके इसको लॉक कर दूंगा एक्सपोजर को, और अब इस तरीके से नीचे ला के ये देखो ये शॉट आया, डन। तो ऐसे ही मैं थोड़ा वेट करूँगा और शॉट्स आ जाएँ, एंड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दो तीन शॉट शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, आई होप ये आपको हेल्प करेंगी। और एक और चीज़, जब हम ये वीडियो शूट करते हैं मैंने सोचा कि हम स्ट्रीट पोर्ट्रेट पे भी नेक्स्ट सीरीज़ बना सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता देना अगर पोर्ट्रेट स्पेसिफिकली स्ट्रीट्स में उस बारे में अगर आपको स्टेप्स चाहते हो, कुछ वीडियो चाहते हो, कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे विल शोरली मेक अ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।